दोस्तों व्हाट्सएप पे अगर आप किसी पर्सन को वॉइस कॉल करते हैं या फिर वीडियो कॉल करते हैं, दोनों में से कोई सी भी कॉल अगर आप लगा रहे हैं और वहां पे आपको कुछ इस तरीके से एरर देखने को मिल रहा है, कुड नॉट प्लेस कॉल, ट्राई अगेन, और यहाँ पे ओके इस तरीके से, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पे आपको कुछ यूजफुल स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, आप उन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करिए तो जो आपकी ये प्रॉब्लम है चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। तो बहुत आसान सा तरीका है, आपको पहले तो व्हाट्सएप से बाहर निकल जाना है। जैसे आप व्हाट्सएप से बाहर निकलेंगे, अब आप देख सकते हैं व्हाट्सएप आपको दिखाई देगी कहीं पे, व्हाट्सएप ऐप, इस पे दबा के रखना 1 सेकंड के लिए। अब जैसे आप होल्ड करके रखेंगे तो इस तरीके से मेन्यू आपको दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन, या फिर आई बटन देखने को मिल सकता है, इस पे क्लिक कर देना है तो आप व्हाट्सएप की ऐप इन्फो में चले जाएंगे। अब यहाँ पे पहले आपको व्हाट्सएप को फोर्स स्टॉप करना है, जहाँ कहीं पे भी आपको फोर्स स्टॉप दिखे फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन होता है क्लियर कैच, क्लियर कैच करना है, क्लियर डेटा नहीं करना, मैंने जिस पेज को नहीं छेड़ना, ओनली क्लियर कैच करना है। उसके बाद एक ऑप्शन और होता है डाटा यूजेज, इस पे जाए और यहाँ पे चेक करना है। 3 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, मोबाइल डाटा, वाईफाई और बैकग्राउंड डाटा। तो सिंपली बैकग्राउंड डाटा आपका अनेबल होना चाहिए, और अगर ये आपका ऑलरेडी अनेबल था तो इसे एक बार बंद करें, जैसे ये बंद हो जाएगा वापस फिर से अनेबल कर दें। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है परमिशंस, परमिशंस पे क्लिक करें और चेक करके सारी परमिशंस अलाउ कर देनी है, कोई भी ऐसी परमिशन ना रहे कि जिसको आपने अलाउ ना किया हो। उसके बाद बाहर निकल जाए और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है आपको व्हाट्सअप। जैसे आप प्ले स्टोर में व्हाट्सअप लिख के सर्च करेंगे तो आपकी व्हाट्सअप आ जाएगी। अगर आपकी व्हाट्सएप के अंदर कोई अपडेट आ रखा है तो आप व्हाट्सएप को तुरंत अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद एक सेटिंग्स और बचती है, आपको मोबाइल की मेन सेटिंग्स में चले जाना है, और कहीं पे भी आपको मोबाइल नेटवर्क करके एक ऑप्शन दिखेगा, मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट भी हो सकता है, उस पर क्लिक करें, सिम सेलेक्ट करें जिस सिम से आपका इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। मेरा पहले से है तो मैं पहले को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको देख सकते हैं, एक प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप मिलेगा और एक्सेस पॉइंट नेम्स, पहले आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स को आप रीसेट कर देंगे, ठीक है, तो आपकी जो नेटवर्क की सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी अगर कोई गड़बड़ हो रखी होगी। परफेक्ट नेटवर्क टाइप में जाए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जिस नेटवर्क का भी आप यूज करते हैं, 4G है तो 4G पे सेट कर दें, 5G है तो 5G पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाए बिल्कुल, और एक बार अपना मोबाइल जो है उसे आप रिस्टार्ट कर लें। जैसे आप मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी।